जिंदगी की महक में कांता को शौर का सच पता चल गया है और उसके बाद महक बहुत बड़ी कंफ्यूजन में आ गई है कि वो शौर को सपोर्ट करे या सच को। सीरियल जिंदगी की महक में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। जिया शौर और महक के बीच डिफरेंसेस कांता को पता चल जाते हैं जब वो दोनों शर्मा हाउस में पगफेरे के लिए आते हैं। कांता को पता चल जाता है कि शौर ने ही महक के पेरेंट्स को मारा है और वो शौर को थप्पड़ मारती है। इतना ही नहीं, कांता डिसाइड करती है कि वो महक और शौर के बीच में डिवोर्स करवा देंगी। कांता को अपने इस डिसीजन पर बहुत ही तकलीफ होती है कि उसने महक की शादी एक ऐसे लड़के से करवा दी है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था और वो महक से इस बात के लिए माफी भी मांगती है। कांता शौर को उसके घर से बाहर चले जाने को कहती है। महक ये सब देख कर हो जाती है काफी परेशान कि वो किसका साथ दे। कांता डिवोर्स फाइल करना शुरू करवाती है लेकिन महक अभी भी शौर को प्यार करती है। अब महक कांता के अगेंस्ट जाएगी और वो डिवोर्स ले लेगी और वो शौर को माफ कर देगी। वेले सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। जिंदगी की महक में कांता को शौर का सच पता चल गया है और उसके बाद महक बहुत बड़ी कंफ्यूजन में आ गई है कि वो शौर को सपोर्ट करे या सच को। सीरियल जिंदगी की महक में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। जिया शौर और महक के बीच डिफरेंसेस कांता को पता चल जाते हैं जब वो दोनों शर्मा हाउस में पगफेरे के लिए आते हैं। कांता को पता चल जाता है कि शौर ने ही महक के पेरेंट्स को मारा है और वो शौर को थप्पड़ मारती है। इतना ही नहीं, कांता डिसाइड करती है कि वो महक और शौर के बीच में डिवोर्स करवा देंगी। कांता को अपने इस डिसीजन पर बहुत ही तकलीफ होती है कि उसने महक की शादी एक ऐसे लड़के से करवा दी है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था और वो महक से इस बात के लिए माफी भी मांगती है। कांता शौर को उसके घर से बाहर चले जाने को कहती है। महक ये सब देख कर हो जाती है काफी परेशान कि वो किसका साथ दे। कांता डिवोर्स फाइल करना शुरू करवाती है लेकिन महक अभी भी शौर को प्यार करती है। अब महक कांता के अगेंस्ट जाएगी और वो डिवोर्स ले लेगी और वो शौर को माफ कर देगी। वेले सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।